हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त में। आज के हम बात करने वाले हैं बीएससी और बीए और बीकॉम हॉनर्स का रिजल्ट यहाँ पे कब तक यहाँ पे जारी होने की पूरी पूरी उम्मीद है। क्या बात का है यहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट है निर्मल चौधरी जी ने, कल हमने उनसे क्वेश्चन पूछा था, आप भी पूछ सकते हैं। मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो क्या रिप्लाई दिया उन लोगों, इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कब तक आपका जारी हो सकता है, कब तक एक्सपेक्टेड डेट बताया। काफी लोग इंतजार कर, काफी सारे कमेंट आए सर बीएससी रिजल्ट कब आएगा, सर बीकॉम हॉनर्स रिजल्ट अभी तक नहीं आया, काफी टाइम पहले एग्जाम हुआ है लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं करी, कब तक क्या प्लान है। सारी वीडियो जानने के चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड को शेयर करना। इस चैनल पे आपको राइस यूनिवर्सिटी रिलेटेड वीडियोस और स्कॉलरशिप वीडियोस, इंटर्नशिप रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहती है। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइस यूनिवर्सिटी जो है 6/10/2022 को यहाँ पे रिजल्ट जारी कर, काफी सारे रिजल्ट जो जारी कर रही है, जो एमए है, जो 2021 में जो रिवेल का रिजल्ट है उसका जारी कर रही है। मतलब 2021 में दिसंबर में जो एग्जाम हुए थे उसका रिवेल का रिजल्ट अब जारी हुआ है। देख सकते हैं एमए का हुआ है, एमबीए का हुआ है, तो मतलब ये जो पुराने पुराने जो एग्जाम हुए उन सबका रिजल्ट यहाँ पे जारी कर दिया है। लास्ट यहाँ पे जो है 2022 में बीकॉम पार्ट थर्ड ऑनर्स का, बीकॉम पार्ट थर्ड रिवेल का यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उसके बाद से किसी भी रिवेल का रिजल्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बाकी जितने भी रिजल्ट है आपको रिवेल के वो पिछले साल के देखने को मिल रहे हैं। 2021 रिवेल का रिजल्ट अब जारी हुआ है, आप देख सकते हैं काफी सारे रिजल्ट है लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं है। तो कब तक आपको उम्मीद है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पिछले कई वीडियो में ये बात बताया और वास्तव में ये बात सच भी है कि बीएससी जो है, बीएससी अगर बीएससी थर्ड ईयर का रिजल्ट जो है बहुत जल्द जारी होने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये बात जो है निर्मल चौधरी जी ने भी बताया, जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोले, उन्होंने एक्सपेक्टेड डेट तो नहीं बताया लेकिन जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी काम कर, उन्होंने बोला जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी काम कर रही है सब कुछ हो चुका है, बस ऑनलाइन पोर्टल में उसको अपलोड करना बाकी है। तो जिस हिसाब से करना बाकी है उस हिसाब से लग रहा है कि आपका रिजल्ट जो है इसी हो सकता है 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच आपको रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीएससी फाइनल का रिजल्ट जारी होने की पूरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि फाइनल ईयर वालों का आगे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, फिर उनकी डिग्री बनती है, उसकी मार्कशीट बनती है, तो उनका टाइम ज्यादा लगेगा। तो हो सकता है बीएससी फाइनल ईयर का रिजल्ट बहुत जल्द जारी करने की पूरी पूरी उम्मीद है। और जो बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में है उनका थोड़ा मुझे लग रहा है टाइम लग सकता है, क्योंकि थोड़ा और वेट कर लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। और जो बीए का रिजल्ट है, मैं कहता हूँ बीए का जो रिजल्ट, बीए में काफी सारे बच्चे स्टूडेंट है फॉर्म अप्लाई किए थे रिवेल में भी, तो उनका जो रिजल्ट काफी टाइम लग सकता है। ये मान चलिए अक्टूबर के मंथ में तो बीए का कोई चांस मुझे दूर दूर नजर भी नहीं आता है, नवंबर के मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नवंबर में आपका जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं बीए का आ सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि अभी जिस हिसाब से देख रहे हैं कि पिछले साल का रिवेल रिजल्ट जारी कर रही है यहाँ पे, तो ये हिसाब लग रहा है बीएससी का रिजल्ट है 15 से लेकर 20 तारीख कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है, एक्सपेक्टेड है। हो सकता है इससे पहले पहली बार, इससे बाद भी हो सकता है, लेकिन अक्टूबर के मंथ पे कहीं ना कहीं चांस है बीएससी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बीए का रिजल्ट अगर आप बीए में भरे हैं तो गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि बीए का काफी सारे बच्चे हैं और काफी इसका रिजल्ट जो है फर्स्ट ईयर का भी कुछ दिन पहले आपको देखने को मिला था, टुकड़ों में, मतलब इसका रिजल्ट जो है बीए पार्ट वन का, बीए पार्ट सेकंड टुकड़ों में रिजल्ट जारी हुए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बीए का रिजल्ट संभावित है कि आपका नवंबर में कहीं ना देखने को मिलेगा। दूसरी बार बात करते हैं यहाँ पे जिन बच्चों का बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स में उनका रिवेल का फॉर्म लगाया तो उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो उनका रिजल्ट भी हो सकता है अक्टूबर के एंड तक आपका रिजल्ट कहने के जारी कर दिया जाए ऑनर्स वालों का। अभी ऑनर्स में काफी सारे जो पार्ट थर्ड का ऑनर्स नहीं है, अभी सेकंड ईयर ऑनर्स, फर्स्ट ईयर ऑनर्स, तो हो सकता है ऑनर्स का रिजल्ट एक साथ जारी कहीं ना कहीं उम्मीद है, ऑनर्स एक साथ जारी कर दिया जाए या तो पहले पास का रिजल्ट जारी करे, ठीक है। जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी काम करे उस हिसाब से ये लग रहा है फ्रेंड्स। बाकी देखते हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, फ्रेंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।